पार्टी की एक मरतबा फिर से सदर मुंतखब होने के लिए। चूंकि मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आज के टाइम में मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का प्रेसिडेंट चुना जाना ये सिर्फ पीडीपी का प्रेसिडेंट चुने जाने के बराबर नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि रियासत की हमारी तनकीद बहुत की जाती है, चाहे वो जो साथी वो हो जो हमें छोड़ के चले गए, चाहे वो सब होता रहता है। उसके लिए मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, एंड आई एंड विद दैट, कि इमाम शाफी की एक रिवायत है, वो ये कहते हैं कि चलेंगे तो आपकी कमर टूट जाएगी, लेकिन अगर आप उन पत्थरों को जमीन पे रखेंगे और उनके ऊपर चढ़ेंगे तो आपका कमर। डॉक्टर हरबख्श सिंह शंटी, वारिया पार्टी आए वारिया उनको कर वारिया कथ हम सबका साथ सबका विकास या बाकी चीजें, मगर अख चीज वन हक आज चुस वन यथान आज यम स्टेज पे तो सारे ब्रोट कह अगर कह पार्टी कह जमात या कह लीडरशिप इंक्लूडिंग महबूबा जी या वीरी साहब हैं बेग साहब हैं तमाम लोगों में यूथ मोहब्बत यूथ पावर या यूथ पोजिशन या यूथ पहचान या सान हकूकन खतर कत कर खतर अगर कंसिस जमात वनिस तान मान जिंदगी मन पत्म वहन पंचन वरियन मन अगर मैं कह पार्टी वुछम या कह लीडरशिप से वुछम सो लीडरशिप तो आई ब्रोट कन तो आ लीडरशिप खतर चीज पर पन जू पन जान दिन खतर तो पन सोरी ताकत लगाने खतर तैयार तो बुछस तो आई सारे गुजारिश करन कि अस करो यकजहती सान ये काम वारिया लोग आए वारिया कत च करन मगर अस वुछ न वनिस तान कुनती जाय चाहे सो कश्मीरी पंडित रिहैबिलिटेशन इज काम अस तिमुन रिटर्न अर्न इज काम अगर कह काम छ वुछमस आज वुछ मुफ्ती सोमने दौरस मज वुछम तो बे अखा घर चु चीज परदेसी साहब से इतन बे अखा घर चु चीज मानान तो वुछान बे ये वनान कि अगर यूथ रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन मज काम गए चाहे तुम पीएम पैकेज एम्प्लॉय चाहे यम क्वार्टर च गांदरबल चे वेश चे या इंडियन शेखपुरा चे ये मुफ्ती सोमने दौरस मज गमत या महबूबा जी के उनके जो आने वाला टाइम था जो उनके बाद मुफ्ती साहब के बाद का टाइम था उस टाइम के ऊपर ये काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि इतनी ताकत इतनी पहचान और इतनी बेबाकी से अपना हमारे को अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म इस जमात के बगैर किसी ने नहीं दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कम्युनिटी की जो आगे भी आने वाले वक्त के अंदर है जो उनकी ज़रूरतें हैं जो उनकी आइडेंटिटी है जो उनकी लड़ाई है इसके लिए ये जमात वैसे ही लड़ती रहेगी जैसे पहले लड़ेगी। और एक बारी बहुत बहुत मुबारकबाद एक बारी फिर से आज के इस दिन के लिए और इनके इलेक्शन के लिए, शुक्रिया। और मेरी बात मैं अपनी बात क्या कहूं, मुझे बताइए कौन सा वजीर आला है जिसने खुद लेटर लिखा हो हुजरत वालों को, जिसके वजह पे इतना बड़ा डेलीगेशन आया हो, जिसने मुझे बताइए यहां 60 एमएलए थे पार्टियों के पास 30-35 साल में सरकार बनाई, मुझे बताइए एक एफआईआर किसी के वापस भी मैंने 12,000-13,000 नौजवानों के ऊपर। आज वही नौजवान दुनिया के जेलों में सड़ रहे हैं, दिल टूटता है, दिल फटने को आता है जब मेरे पास वो आते हैं, उनके माँ बाप आते हैं ऑफिस में आते हैं, वो कहते हैं मेरा बच्चा फलानी जेल में, मेरा बच्चा एक बच्चा है अनंतनाग का कैंसर पेशेंट है, लास्ट स्टेज में उसको यहां तक नहीं लाते हैं। ऐसी कितनी कहानियां हैं जो इस वक्त के हालात है, मगर मेरा ताकत आप ये है वो छुते मेरा ताकत आप चाहे जम्मू जो जम्मू के हमारे लोग हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, वो अंगारों पे चलते हैं जम्मू में, पीडीपी को कुछ लोग बड़ी बुरी नजर से देखते हैं, मगर जो वहां हमारे खासकर नॉन मुस्लिम बच्चे हमारे साथ चलते हैं, यूथ के बच्चे चलते हैं जो सीना तान के गर्दन सर उठा के पीडीपी की बात करते हैं, आज मैं उनको भी सलाम करना चाहती हूँ। मैं वहां जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जिनको इतना तंग कर रहे हैं इतना सता रहे हैं, मैं उनको भी सलाम करना चाहती हूँ, मेरे साथ खड़े रहे 2019 के बाद। वीरी साहब सरकार साहब इनको तो दो बार नहीं साहब और इनको बंद कर दिया, महबूब बेग साहब गुलाम नबी लोन साहब सोफी साहब ये बाकी जितने भी छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं यूथ के, ये वही 2 इसको जेल में बंद रखा क्यों? पार्टियां तो बहुत सारी हैं मगर आप मेरी ताकत हो, आपके पास एजेंडा है, ये हमेशा सोचना चाहिए जब आप मुफ्ती साहब के लिए इतनी बात करते हो, आप मुफ्ती साहब का ख्वाब हो, आप मुफ्ती साहब का एजेंडा हो, आप मुफ्ती साहब का विजन हो, इसलिए हमको मजबूती से इसको पकड़ के रखना है, इसको छोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे बताइए मैं 2 थी वजीर आला, मुफ्ती साहब थे 3-10 महीने,
मगर जितने काम मेरे टाइम में भी हुए उस पथराव में भी या मुफ्ती साहब के टाइम में हुए, मुझे नहीं लगता है इतने 40 साल में काम हुए होंगे। मेरे वक्त में भर्ती हुई पुलिस में दूसरे डिपार्टमेंट में एक केस बता मुझे कोर्ट में चला गया हो, कहीं शिकायत हुई हो, कोई शिकायत नहीं। एक घर में दो बच्चे सिलेक्ट हो गए, गरीब घर था, वो आए उन्होंने मुझे एक हिसाब से वो पांव पकड़ने लगे हमारे वर्करों के, इच्छा हुकूमत ऐसे उन्होंने अब महबूबा मुफ्ती के खिलाफ क्या है, बहुत बड़ा इल्जाम है जी। दूध और टॉफी दिन रात हमारे लोग को चलाते रहते हैं। अरे मैंने कहा था एक मां बन के तुमको, अगर मेरी बात मानी होती तो इस वक्त इंशा मेरी बच्ची आंखों से नहीं गई होती। एक तरफ से पत्थर मारने वाले शर पसंद, दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस, और बीच में वो बच्ची शिकार होगी, उसका क्या कसूर, उन बच्चों का क्या कसूर जो बीच में फंस गए। बस यही आप जितना प्रोपेगंडा अगर अपोजिशन पार्टी करे, मैं समझती हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी अपोजिशन है, मगर उससे ज्यादा प्रोपेगंडा आरएसएस और बीजेपी वाले करते हैं। ये जी उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, आरएसएस वाले ये कहते हैं, कश्मीर में कहते हैं, जम्मू में नहीं कहते। इसलिए मैं आपसे, मेरा जो वर्कर है आपको सर उठा के बात करनी चाहिए। मैंने कई बच्चों के सर के ऊपर से सीमेंट उतारा है, उनके छाले पड़ जाते थे, मैंने कैंपस से बच्चों को निकाला है। मैंने तब बच्चों को अस्पताल में देखा है जब उनकी टांगों के बीच में स्टोन लाया जाता था, मैंने क्या नहीं देखा है। और आज आपको दूर टॉफी बोल के डराते हो, डरो मत, मैंने सही बात की थी। मैंने कहा कि बाप अपने माँ बाप के बच्चों को अंदर रखो, इनको बाहर मत भेजो, भेजोगे तो खुदा ना खासा वही होगा जो बेचारी इंशा का हाल हो गया, वही हुआ। आज ये जो दूर टॉफी कहते हैं, इनको बताए वो बच्चे कौन है, क्या उनको, हाँ मुझे पता है इलेक्शन में शायद हो सकता है इनको निकालेंगे अपने साथ दिखाने के लिए, मगर आज तक इन्होंने उनका नाम लिया, मैंने बुलाया चीफ मिनिस्टर उनको, जितने मेरे पास आए मैंने उनको नौकरियां दी, जितने भी मेरे पास आए इंशा के लिए मैंने एजेंसी की, मगर आज की सरकार अभी तक वहीं का वहीं काम रुका, जहां मैंने छोड़ा वहीं छोड़ दिया था। ये तो इच्छा इल्जाम छा महबूबा मुफ्ती पर उठे, किन में क्या इल्जाम छुस, किन पोटो के इल्जाम छुस, किन टास्क फोर्स के इल्जाम छुस, किन फेक एनकाउंटर के इल्जाम छुस, किन शुपिया रेत मर्डर के इल्जाम छुस। मेरे वक्त में एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई, मैंने दो मिनिस्टर ड्रॉप किए और आधा दर्जन से ज्यादा जेल में सड़ रहे हैं इस वक्त। मैंने इंसाफ किया अपने वक्त में, यहां हमारी बच्चियां होती थी तो मैंने उस गाड़ियां में बैठते थे तो उनको मुश्किल होती थी, मैंने उनके लिए अलग बस सर्विस, क्योंकि मुझे पता है मैंने बस में ट्रैवल किया है, मैं होम मिनिस्टर की बेटी भी रही हूँ, मिनिस्टर की बेटी भी रही हूँ, मगर मैंने बस में ट्रैवल किया है, मुझे पता है बस में बच्चों के साथ क्या होता है। मैंने गरीब बच्चों को स्कूटी दी, मैंने कहा अगर आप 60% नंबर लोगे मैं 50% पे आपको स्कूटी दूंगी। मैंने कहा लड़कियों के नाम पे जो प्रॉपर्टी होगी मैं उस पर स्टैंप ड्यूटी खत्म करूंगी। सब कोशिश की मगर कुछ नहीं मिलता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। इसलिए आपको दूर टॉफी करके डराते हैं, डरो मत, सिर उठा के बात करो। क्या माँ अपने बच्चे को थप्पड़ नहीं मारती? अगर बच्चा किसी गर्म चीज को हाथ लगाए दबान चुसा और उसे तपाए रसून चुसा मारा वो और क्या करेंगे, और कैसा मिठाई खेले? तो इसलिए इससे आप ये जो आजकल इस पे सोशल नेटवर्क पे वही चलता रहता है, इसके इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब आप सब लोग बंद है, पहले तो मैंने सोचा महबूब एक साहब को कहूंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, पता चला वो भी अंडर हाउस अरेस्ट है। मैंने उसको बोला आप जाओ, और इसके मुंह पे वो लगा लिया वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉफी दूध, मेरे वर्ड्स के मुंह पे लगाए, उससे क्या होगा? ये तो उन माओ को फैसला करना है जिन माओ के बच्चों को मैंने कैंप से निकाल के बाहर लाया है। ये वो मैं कल पे टागर चुवाई के साथ तुम्हें जगा रहा हूँ, जो तुम्हें फोर्स करूँ जो सोशल मीडिया वायरल पे इंटरनेट ट्रोलिंग करने तुम्हें फोर्स करूँ, इसलिए खुश हूँ मैं। बस ये देख लो, हम तुम्हारे साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला,
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।